शिक्षक जगत। सृजनशील है बच्चा। आज तुम खाने में क्या लाई हो? मैं आलू का पराठा लाई हूँ। और तुम क्या लाई हो? मैं तो पूरी लाई हूँ। आज तुम झूले पे चलोगी मेरे साथ? मैं तो गोल वाले झूले में झूलूंगी। आज तो मेरे पास लाल रंग की पेंसिल है। तो क्या हुआ? नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। आ गए बच्चों? आ गए बच्चों। चलो आज हम सब कविता सुनेंगे। तो आज कौन सुनाएगा कविता? मैं सुनाऊंगी, मैं सुनाऊंगी। ठीक है, तो फिर तुम सुनाओ। सात समुंदर पार के गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया नाना, गुड़िया चाहे नाना ना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये हुई ना बात। तो आज बच्चों हम सब खेल खेलेंगे। कोलाज बनाने का। कोलाज क्या होता है? क्या होता है मैम? मैम कोलाज क्या होता है? जब हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजों से एक सुंदर सा चित्र बनाते हैं उसे कोलाज कहते हैं। ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है मैम। तो अब हम सब बच्चे मैदान में जाएंगे। हम मैदान में जाएंगे, हम बाहर जाएंगे। क्या जा रहे? मैदान में जा रहे हैं। और फिर छोटी छोटी चीजें ढूंढ कर हम एक कोलाज बनाएंगे। ठीक है? यस मैम। के मैम। तो हैं सब बच्चे तैयार? यस मैम। यस मैम। तो चलो चलो भाई चलते हैं, चलो चलो बाहर चलेंगे, चलो 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 आजा 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 खेलेंगे। हाँ लाओ। अरे वाह, इससे हम बनाते हैं छोटी सी चिड़िया का घोंसला। हाँ बन गया घोंसला। ठीक है? ठीक है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं रुई लाई हूँ। इससे हम क्या बनाएं? बादल रुई जैसे होते हैं। बहुत खूब, शाबाश। तो ये हैं बादल। इन्हें हम यहाँ चिपकाते हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं बादल, है ना मैम? यहाँ पर भी लगाते हैं। हाँ यहाँ पर लगाओ और देखो क्या बनता है। कितना सुंदर बादल बन गया। अरे मुनमुन, तुम क्या छुपा रही हो? लाओ इधर दो। मैं वो दूंगी मैम, इसके पास लाल रंग का बटन है। अरे मुनमुन, ये तो बड़ी काम की चीज है। पर इस लाल रंग के बटन को हम लगाएंगे कहाँ? मैम इसे खरगोश की आंख पे लगा दे तो। वाह, हमारा खरगोश भी चमक उठा ऐसे। और ये देखो, सोनू ने यहाँ पर घास लगाई है। घास का मैदान है ना सुंदर। दीपू ने फूल लगाए हैं। और ये
से। तुमने मिलकर कितना सुंदर कोलाज बना दिया है ना? यस मैम, यस मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बच्चों को यदि उन्मुक्त वातावरण मिले तो उनमें कल्पनाशीलता और सोचने की क्षमता का विकास होता है।